हम लोग आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर नखरौला गांव में एक स्वस्थ गांव एक पहल, ये जो CSR इनिशिएटिव है आर्टेमिस का, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आर्टेमिस हमेशा से ही समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है और इसी का एक हमारी पहल रही है स्वस्थ गांव एक पहल प्रोग्राम, जो पिछले एक साल से यहाँ पे चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत हम स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर निरंतर काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आंगनवाड़ियों के विकास के लिए हमारा काम चल रहा है और हम लोगों ने स्वच्छता भी एक बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट एंगल है, इसीलिए हमने स्वच्छता के ऊपर भी काफ़ी काम करा है। नखरौला गांव में कम से कम आबादी 10,000 है, जिसमें बाहर की पॉपुलेशन भी है। जो कार्यक्रम है इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें गांव के विकास में, बच्चों के स्वास्थ्य में, महिलाओं और माताओं के स्वास्थ्य में, बच्चों को हाइजीन के उनके बारे में बताने में और लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करने में, आंगनवाड़ी में जो सुविधाएं नहीं थी वो देने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। शुरू में जब मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया तो मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं लोग आएंगे भी या नहीं आएंगे, लोगों को बुला के लाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे लोगों को फेस करेंगे। लेकिन जब हमने प्रोग्राम शुरू किया, शुरू में हम गए लोगों को बुलाने, तब तो थोड़ा कम ही आए, लेकिन बाद में जैसे प्रोग्राम चला उनको जानकारियाँ मिलने लगी तो वो आने लगे। गांव में नुक्कड़ नाटक की रैली निकलवाई है, उससे भी लोगों में जागरूकता पैदा हुई है, इससे गांव में सुधार हो रहा है, कुछ ना कुछ लोगों तक मैसेज जा रहा है, अच्छा मैसेज जा रहा है कि हमें कैसे बच्चे का रख रखाव, साफ सफाई, बच्चे की क्या खिलाना चाहिए, बच्चे को खेल खेल में कैसे सिखाना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के माध्यम से पता चलती है। गर्भवती को हमने सबसे पहले तो यहाँ फायदा हो वो रजिस्ट्रेशन कराती है, ऐसे उन्हें पता चलता है 3rd महीने में ही वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया उन्होंने आंगनवाड़ी में। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो नॉलेजेबल इंसान को भी नहीं पता होती है, अगर ऐसे प्रोग्राम में वो जाएंगी, हिस्सा लेंगी, देखेंगी, इधर उधर से सुनेंगी, जिसने हिस्सा लिया उनसे सुनेंगी तो उनको बेनिफिट ही मिलेगा, उनके बच्चों को, उनको और उनके घर वालों को भी, जो डॉक्टर को वो पैसा देंगे, खर्च करेंगे, उससे अच्छा है जाके सीखो और फिर उसे अप्लाई करो अपने लाइफ में भी और बच्चों के साथ भी। जब से ये NGO हमारे यहाँ काम करने लगी है तब से महिलाओं के स्वास्थ्य में, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आया है। पहले उनको ये नहीं पता था कि कौन सा इंजेक्शन कब लगना चाहिए, ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन अब वो टाइम पर सभी इंजेक्शन लगवाती हैं। ANM और आशा वर्कर की इम्पोर्टेंस का उनको पता चल गया है, उनके कॉन्टैक्ट में है कि कब कौन सा टीका लगना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी अभी सभी आती हैं। दूसरा, जो बच्चों को जो इंजेक्शन लगते हैं उनके बारे में भी उनको पता चला। सास होती थी वो बहुओं को ना एकदम बच्चा पैदा होते ही दूध नहीं पिलाने देती थी, अब उनको पता चला है कि बच्चा पैदा होते ही जो पीला गाढ़ा दूध होता है उसको पिलाना है, तो अब जो हमारे प्रोग्राम में जितनी भी गई हैं सब अपने बच्चे को पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाती ही पिलाती है और बच्चे को हाथ धो के लेती है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती है बच्चे को। पहले तो ऐसे ही गंदे हाथों से कोई भी आया उसी ने छू लिया बच्चे को, उसी ने ले लिया, अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स आशा, ANM, आंगनवाड़ी, इन लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, बट बहुत परी क्या होता है कि वो ट्रेनिंग या तो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाती है या उनको एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है बीच में अपने उस नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। हम उन लोगों को ट्रेन करते हैं और फिर वो एक फर्दर स्नोबॉलिंग इफेक्ट के साथ जो है वो पूरी कम्युनिटी में फैलता है। हमें टाइम टाइम से ट्रेनिंग भी दी है कि गर्भवती माताओं को क्या कुछ खाना चाहिए और कैसे देखभाल करनी चाहिए और बच्चों के बारे में भी। हम तो खाली मशीन से लेते थे वेट, तभी हमें बच्चों का पता चलता था कि बच्चा कमज़ोर है, लेकिन अब इन्होंने वो एक टेप दी है जो हम हाथ से भी पता चला सकते हैं कि बच्चा कमज़ोर है या नॉर्मल है, और बीमारियों के बारे में भी कि बच्चे का कैसे पता चले कि बच्चा कमज़ोर क्यों है, कि उनको हम सलाह देते हैं और हमें बताया गया कि कैसे बच्चों उनकी माताओं को आपको समझाना है। 3-4 ट्रेनिंग हुई है इनकी और इनको मटेरियल भी दिया है, आंगनवाड़ी वालों को हमने खिलौने दिए हैं जिनसे वो बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना सिखाते हैं। काम करने में जी हमें काफ़ी फायदा हो गया, पहले तो हम बच्चों को बुलाने जाते थे जब बच्चे आते थे आंगनवाड़ी में,
अब अपने आप आने लगे हैं जी। जैसे ये हम आंगनवाड़ी में पेंटिंग कराई है, इससे हमें काफ़ी फायदा हुआ है। बच्चों को हम इसमें सिखाते हैं, जैसे 1-2 लिखे हुए हैं, गिनतियाँ, पहाड़े, प्रार्थना और ए अनार वगैरह, ये जो भी हैं, और कलर्स और एनिमल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम उसमें देख के उनको पढ़ा देते हैं, जिससे बच्चा ज़्यादा सीखता है। किताबों में से तो हम एक किताब को ऐसे पकड़ के बताते तो आधे बच्चे देखते भी नहीं थे, आधे समझ नहीं पाते थे। और अब ये पेंटिंग से है कि वो बड़ा बड़ा बना के रखा है तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। लोगों ने बच्चों को भेजना शुरू किया, धीरे धीरे अब काफ़ी बच्चे आंगनवाड़ी में आने लगे हैं, जिससे माताएं और बहनें भी आने लगी, उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। बच्चों को कलर करना सिखाते हैं, कुछ पोएम्स बोलनी सिखाते हैं, और मतलब माताओं को सिखाते हैं कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, टाइम किस टाइम पर और क्या नहीं खिलाना चाहिए। ये सिर्फ एक हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट इशू नहीं है, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम नहीं है, हम इस पर बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्कूल डेवलपमेंट, एडोलेसेंट हेल्थ, मेटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ एंड हाइजीन। अभी सरकार बहुत हेल्थ एंड हाइजीन पे फोकस कर रही है, क्योंकि WHO का मैंडेट है कि जितना हम प्रिवेंटिव केयर पर इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें क्यूरेटिव केयर पर कम स्पेंड करना होगा। तो इस पूरे प्रोग्राम का माध्यम ये है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इसको प्रमोट कर रहे हैं। स्वच्छ गांव एक पहल, इसके तहत गांव के सभी घरों में डस्टबिन बांटे, जिसे लोगों को हमने जागरूक किया कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग रखा जाए, ताकि उसे आगे जाके हम खाद बनाने का प्रोसेस कर सकें। ये वाश बेसन लगवाया है, पहले हम बच्चों को हाथ ऐसे धुलाते थे, पानी नीचे ऐसे ही जाता था, अब वाश बेसन में धुलाते हैं, और जिससे बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, उनको घर उनकी माताओं को भी बताते हैं कि कैसे हाथ धुलाने चाहिए बच्चों के, खाना खाने से पहले भी और बाद में भी और सोच के बाद भी। सबके जीवन में हेल्थ की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पहले हेल्थ की तरफ इतना ध्यान नहीं था किसी का भी, तो अब गांव में जो लोगों का स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा है, बीमारियां बहुत कम होती हैं। ऐसे ही हम प्रोग्राम स्कूल में भी करते हैं, हम स्कूल में प्रिंसिपल मैम को भी मतलब बताते हैं, और फिर बच्चों के साथ में हमने प्रोग्राम किया, जो किशोरियाँ थी उनको सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया कि माहवारी में हमें कपड़ा यूज़ नहीं करना है और साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना है, और लड़कों के साथ भी प्रोग्राम किया, उनको नशे के बारे में बताया, शराब और तंबाकू के सेवन से क्या हानि पहुँचती है उनको। स्कूल में हमने ऑब्जर्व किया कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, जो कि हरियाणा में एक वेव की तरह है फैला हुआ। सो जेंडर सेंसिटाइजेशन हमने ये जब कुछ एक्टिविटीज़ करी उन बच्चों के बीच में, कुछ हमने उनके बीच में सेशंस लिए लड़कियों के साथ लड़कों के साथ, हमें तब पता चला कि उनको नॉट इवन गर्ल्स बट ऑल्सो बॉयज़ दे फेस द बैड टच एंड गुड टच, इट इज़ जस्ट सो कॉमन दैट दे आर जस्ट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अभी मैंने सॉल्स देखी, उसके ऊपर कंगारू मदर केयर के ऊपर जो हमारा नेशनल जो हेल्थ मिशन है जिसके ऊपर काफ़ी कार्य कर रहा है, और जिसमें हमारा नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक ही टारगेट है कि हमने अपना मातृ जो मृत्यु दर है उसको कम करना है और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। एक साल से हमारे स्कूल के साथ ये जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य और स्वस्थ दोनों ही एक ऐसे टॉपिक हैं जो स्कूल और मेडिकल के साथ 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 चल रहे हैं, और इन्होंने हमारे बच्चों के साथ बहुत अच्छे एक साल से काफ़ी इवेंट्स जो हमारे बच्चों के साथ इन्होंने स्पॉन्सर किए हैं, बच्चों ने भी इन सब के द्वारा जो भी इन्होंने हमारे स्कूल में इवेंट्स करवाए हैं, PPT के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, और अपने हर प्रोग्राम ड्राइंग कंपटीशन के द्वारा, एसे राइटिंग कंपटीशन के द्वारा, पोस्टर राइटिंग कंपटीशन के द्वारा, जो भी बच्चों को इन्होंने इवेंट्स कराए हैं, बच्चों ने सबका बहुत तहे दिल से इनका एंजॉय किया है और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। ये बहुत सराहनीय है द वे दीज पीपल हैव बीन एजुकेटेड बाई
आर्टेमिस एंड एचएनएफ पीपीटी, इट इज़ रियली अमेजिंग कितनी नॉलेज है इनफैक्ट इस गांव के महिलाओं का अबाउट मेटरनल चाइल्ड हेल्थ. इट इज़ वर्थ कमिंग हियर एंड सीइंग इट बेसिकली. एंड इतना जोश है ये पूरे गांव में अबाउट दिस प्रोग्राम विच इज़ बीइंग डन ना. एंड देर इज़ अ टोटल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट अबाउट दिस. सो इट इज़ ऑगरिंग वेरी वेल फॉर दिस प्रोग्राम इन द फ्यूचर ऑल्सो. एंड आई एम श्योर द एंटायर विलेज इज गेटिंग वेरी मच बेनिफिटेड बाई दिस प्रोग्राम. इस सारे कार्यक्रम का एक ही फायदा है सबसे ज़्यादा कि गांव विकास कर रहा है, अपनी सोच बदल रहा है कि विकास की ओर किस तरीके से जाया जाए. एक सही राह पकड़ ली है गांव ने विकास की तरफ.